नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश ठाकुर इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप जानते हैं, पहले वीडियो में हमने बेसिक जियोग्राफी के बारे में देखा था, जिसमें हमने बहुत सी चीजों को कवर किया था। भारत की अवस्थिति देखी थी, अक्षांश देशांतर देखे थे, बंदरगाह देखे थे, ठीक है जी, तट देखे थे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियां। तो भारत की नदियां टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को ले लो आप, ठीक है जी, वो लोअर लेवल का एग्जाम हो या फिर एचएएस पीसीएस कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो या किसी भी टाइप का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ठीक है जी। तो नदियां हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जानते हैं भारत देश जो है नदियों से परिपूर्ण देश है, ठीक है जी। तो इसमें बहुत सी नदियां हैं, इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे मानचित्र के थ्रू, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इन तीन नदियों के बारे में देखेंगे, हिमालय की नदियां, ठीक है जी। तो उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पे आएंगे। तो आप जानते हैं नदियां टू टाइप की होती है, दो प्रकार की नदियां होती है हमारे भारत में, दो प्रकार की नदियां हैं, ठीक है। एक तो हिमालय से आने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियां, ठीक है जी। तो देखिए, एक टर्म नदियों में और आती है जिसमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदियां पूछा जाता है। तो अनुवर्ती नदी क्या होती है? अनुवर्ती नदी जो दक्षिण भारत में बहने वाली जो नदियां होती है, जितनी भी नदियां हैं वो सारी अनुवर्ती नदियां हैं। अनुवर्ती नदियां मतलब कि जहां स्थल का निर्माण कंप्लीट हो चुका होता है और बाद में नदियां वहां बहना स्टार्ट करती है। और जो पूर्ववर्ती नदी होती है, हिमालय की जितनी भी नदियां हैं सारी पूर्ववर्ती नदियां हैं, यहां स्थल का निर्माण भी हो रहा है और नदी यहां पहले से ही बह रही है। इस प्रकार की जो नदियां होती है उनको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। तो चलिए देखते हैं हम नदियों से संबंधित कुछ जानकारी। तो मानचित्र के थ्रू नदियों को देखेंगे हम। तो चलिए मानचित्र ड्रॉ करता हूं मैं यहां। देखिए ये भारत का मानचित्र। तो हम पहले हिमालय की नदियों को देखेंगे, हिमालय की मुख्य नदियां जिनमें से आप जानते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तिब्बत में एक जगह है, मानसरोवर, मानसरोवर तिब्बत में एक जगह है जहां सिनकाबाब नाम की जलधारा है, सिनकाबाब नाम की जलधारा है जो सिंधु नदी के जल का स्रोत है, ठीक है जी। तिब्बत में मानसरोवर, यहीं पे एक जलधारा है सिनकाबाब। तो यहां से सिंधु नदी निकलती है, देखिए ये सिंधु नदी निकली जो भारत में, इसने जम्मू में प्रवेश किया, इस जगह का नाम है दमचौक, दमचौक, और यहां से बहते हुए ये भारत को छोड़ती है चिलास नाम की जगह पर, चिलास नाम की जगह पर, ठीक है जी। तो यहीं से ये फिर नंगा पर्वत से पाकिस्तान में मुड़ जाती है और कराची नाम की जगह से अरब सागर में गिरती है। आप जानते हैं यहां पर अरब सागर और यहां पर बंगाल की खाड़ी, ठीक है जी। तो चलिए, आपको पता है यहां एक पर्वत श्रेणी मिलेगी काराकोरम, लद्दाख, झास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। तो सिंधु नदी लद्दाख और झास्कर के बीचों बीच से जाती है, ठीक है। तो आप जानते हैं सिंधु नदी की जो लेंथ है वो 2880 मिलेगी आपको, जो भारत में कितनी बहती है सिंधु नदी, 709 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, और जो भारत में इसका भाव क्षेत्र है वो है 709 किलोमीटर,
ठीक है जी। तो देखिए इसी में हम सिंधु की दाएं तरफ और बाएं तरफ से आने वाली नदियों को देखेंगे। तो आप जानते हैं सिंधु नदी की जो दाएं तरफ से आने वाली नदियां हैं, दाएं तरफ से आने वाली नदियां कौन कौन सी है? एक तो सियोक हो गई, कुर्रम हो गई, गोमल हो गई, और आपकी सियांग हो गई। ये सिंधु की दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, जो अफगानिस्तान से सारी नदियां आती है, ठीक है जी। सियोक, कुर्रम, गोमल, ठीक है। अब बाएं तरफ से नदियों को देखें तो बाएं तरफ से आने वाली नदियां जो बाएं तरफ से इस सिंधु में मिलती है, उन नदियों में से नाम आता है झास्कर नदी, सियांग नदी, सिगार नदी और गिलगिट नदी। कौन कौन सी? झास्कर, सिगार और गिलगिट, गिलगिट नदी। तो ये सिंधु के दाएं और बाएं तट से मिलने वाली नदियां देख ली हमने, ठीक है जी। अगर बात करें यहीं पे ये जो मानसरोवर है, इस सरोवर को पानी कहां से मिलता है, इसके जो पानी का स्रोत है वो कौन सा ग्लेशियर है? तो यहां नाम आता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और जो सिंधु नदी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना कि ये लद्दाख और झास्कर के बीचों बीच होकर गुजरती है। यहीं काराकोरम में एक लुब्रा घाटी मिलेगी आपको, जहां लुब्रा नदी, लुम्ब्रा नदी बहती है। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसी पर जो सियाचिन ग्लेशियर है वो स्थित है। युद्ध स्थल विश्व का सबसे ऊंचा 72 किलोमीटर, ठीक है, ये पॉइंट भी नोट रखिए। तो ये सिंधु नदी के बारे में, इसकी सहायक नदियां हो गई। तो यहीं अगर भारत में देखे तो देखिए एक नदी आती है यहां झेलम, दूसरी नदी है चिनाब, फिर आती है रावी, ब्यास, और यहीं से मानसरोवर से एक नदी निकलती है सतलुज। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है जी। अब झेलम नदी चिनाब में आके मिलती है, और चिनाब नीचे रावी में मिलती है, और यहां ब्यास सतलुज में मिलती है हरी के बैराज नामक जगह पर, ठीक है, जहां पे हरी के बैराज बांध भी बना हुआ है। और ये जो सतलुज नदी है, ये यहां पर मिठानकोट नाम की जगह है पाकिस्तान में, मिठानकोट नाम की जगह पर ये सिंधु से मिलती है। सतलुज इसका नाम नहीं रहता, यहाँ पे पंचनद बन जाता है। जो पंचनद नदी है वो कहां पर मिलती है सिंधु से? वो मिलती है मिठानकोट में। यहीं सिंधु नदी के तट पर एक फेमस शहर आता है, हैदराबाद, जो सिंधु के किनारे है। और झेलम नदी के बारे में देखें तो झेलम नदी आपको पता है शेषनाग झील से निकलती है, वहीं पे आपको बुल्लर झील मिलेगी, ठीक है। और चिनाब नदी आपकी बारालाचा दर्रे से, और यही रावी नदी को देखें तो बड़ा बंगाल से, और ब्यास को देखें तो ब्यास कुंड से निकलती है, और जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी आपके मानसरोवर तिब्बत से निकलने वाली नदी है, और जो कहां पर मिलती है मिठानकोट में सिंधु नदी के साथ मिलती है, ठीक है जी। तो देखिए अगर झेलम की लेंथ देखें तो झेलम की लेंथ जो है 725 किलोमीटर है, और चिनाब की लेंथ देखें तो चिनाब की जो लेंथ है वो 1200 किलोमीटर है, और यहीं पे अगर रावी देखें तो 720 किलोमीटर, और सतलुज नदी को देखें तो 1448 किलोमीटर, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम गंगा नदी को। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा। अगर यही सिंधु में एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं, सुना होगा, आप सभी जानते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में।
भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसमें क्या तय हुआ था कि जो ऊपर की तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीन नदियों का जो 80% जल है वो यूज करेगा कौन? पाकिस्तान। और 20% जल यूज करेगा भारत। और जो नीचे की तीन नदियां हैं, राबी, ब्यास और सतलुज, इनका जो 80% जल है वो यूज करेगा भारत और 20% पाकिस्तान। ये सिंधु जल समझौता था जो 1960 में हुआ था, ठीक है जी। यहीं पे अगर हम देखें, देखते हैं तो हमने सिंधु नदी के बारे में देख ली जानकारी कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था और उसमें क्या तय हुआ था। सहायक नदियां देखी, दाएं तरफ से देखी, बाएं तरफ से देखी। तो चलिए अब गंगा नदी के बारे में हम कुछ एक जानकारी लेते हैं। तो आप जानते हैं जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के, यहाँ उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है ये नदी और यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश पहुंच जाती है। तो इसी में अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो देखिए यहीं पे गंगोत्री, यहां से भागीरथी निकलती है, भागीरथी नदी। और ये जो गंगोत्री है इसका, इसको जो पानी आता है वो गौमुख हिमानी, यहीं पे एक गौमुख हिमानी है, गौमुख हिमानी, इससे इस गंगोत्री को पानी मिलता है। और यहां से नदी निकलती है कौन सी? भागीरथी, भागीरथी नदी। और यहीं साथ में एक ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर। इस सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, इस सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती है, एक धौली गंगा और विष्णु गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ठीक है जी। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों विष्णु प्रयाग पर मिलती है, विष्णु प्रयाग पर मिलती है। और यहां पे इन दो नदियों का नाम हो जाता है अलकनंदा, ठीक है जी। तो इन दो नदियों का नाम हो जाता है अलकनंदा, और अलकनंदा को हम देखते हैं तो यहां से आगे चलती है, यहीं साथ में एक नदी आती है पिंडर ग्लेशियर से, जिसका नाम है पिंडर नदी, पिंडर नदी। और जो मिलती है आपकी कर्ण प्रयाग में, पिंडर नदी कहां पर मिली? कर्ण प्रयाग में। तो एक और नदी मिलती है हमें, मंदाकिनी नदी, जो मंदाकिनी ग्लेशियर से आती है, मंदाकिनी नदी, ये मिलती है आपकी रुद्र प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में, ठीक है जी। तो फिर यहां से अलकनंदा चलती है और यहां देव प्रयाग नाम की जगह पर ये भागीरथी से मिल जाती है और यहां नाम हो जाता है इसका गंगा, ठीक है जी। तो यहां नाम पड़ता है गंगा। इसके बाद ऋषिकेश होते हुए राम झूला, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार तक आती है ये नदी और उसके बाद सीधे बांग्लादेश चली जाती है। तो देखते हैं हम, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आपको। तो यहां से आप देखिए गंगोत्री से नदी निकली और इसकी जो कुछ एक सहायक नदियां हैं बाएं तट से मिलने वाली, इसकी जो सहायक नदियां बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती है इसमें गंगा में? तो आप देखेंगे जो नेपाल से आती है नदियां, ठीक है, उनमें राम गंगा हो गया, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और एक महानंदा, ठीक है, और महानंदा, ये इसकी बाएं तट से आने वाली सहायक नदियां हैं।
जो गंगा में मिल जाती है। और यहीं देखें हम दाएं तट से, तो दाएं तट से कौन सी नदी आती है? सबसे लंबी जो सहायक नदी है यमुनोत्री से आती है, ठीक है जी। यमुनोत्री से यमुना, यमुना यमुना नदी यमुनोत्री से आती है। और ये कहां पर मिलती है? प्रयाग, प्रयाग में, इलाहाबाद प्रयाग में ये गंगा से मिलती है। तो सबसे लंबी इसकी ये सहायक नदी है, ठीक है जी। और इस यमुना की अगर हम लेंथ देखें तो 1525 किलोमीटर, 1525 किलोमीटर। और गंगा की देखें तो भारत की सबसे लंबी नदी है 25 25 किलोमीटर, ठीक है जी। तो 25 25 किलोमीटर, यही कुछ एक सहायक नदियां हमारे यहाँ यमुना की मिलेगी। कौन कौन सी उनमें नाम आता है? चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, और एक नदी आती है केन, केन नदी। ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है जी। और यही एक नदी आती है टोंस, टोंस नदी, टोंस नदी जो गंगा में मिलती है। उसके बाद देखो गंगा जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, पश्चिम बंगाल से ये दो शाखाओं में बट जाती है, पश्चिम बंगाल से ये दो शाखाओं में बट जाती है। और एक शाखा इसकी कोलकाता को जाती है जिसका नाम है हुगली। हुगली नदी के बारे में सुना होगा, कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, ठीक है जी। यहाँ हुगली नदी जब इससे अलग होती है, वहां से लेके बांग्लादेश के बॉर्डर तक इस नदी का नाम फिर से चेंज होता है। क्या नाम रहता है इसका? भागीरथी। फिर से नाम हो जाता है इसका भागीरथी। भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में ये पहुंच जाती है, बांग्लादेश में जब ये नदी पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा। इसका नाम होता है पद्मा। अब देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी को, जो हिमालय से ही निकलने वाली नदी है, बहने वाली नदी है। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जिसका बहाव क्षेत्र बहुत ज्यादा है, अपवाह क्षेत्र बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। भारत में पहले नंबर पर है जो अपवाह क्षेत्र जिसका सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। तो देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से ही निकलने वाली नदी है। और यहां से ये चलती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको नेपाल में सांगपो नाम से जानते हैं, सांगपो। और ये नदी यहाँ नामचा बारबा पर्वत से, नामचा बरबा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। यही नामचा बरबा पर्वत में से भी एक यहाँ दर्रा मिलता है हमें, यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा से ये अंदर आती है, दर्रे का नाम है यांग्याप, यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रे से ये अरुणाचल में प्रवेश करती है। और इसका जो नाम यहाँ पर होता है अरुणाचल में, दिहांग, दिहांग इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम पड़ता है। उसके बाद ये अरुणाचल में बहते हुए धुमरी पट्टी से ये असम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करती है। और वहां उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। असम में प्रवेश करने के बाद आपको पता है वहां पर सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो है माजुली, ठीक है जी। सबसे बड़ा रिवर राइन माजुली द्वीप, जो कहां पर मिलेगा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है सबसे बड़ा, ठीक है जी। तो उसके बाद ये नदी आती है आपकी बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना, जमुना, जमुना। जब जमुना पद्मा से मिलती है तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, पद्मा ही रहता है। जब तक मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी आती है मेघना, मेघना नदी में जब ये दोनों नदियां मिल जाती है तो उसके बाद इसका नाम पड़ता है क्या? मेघना, मेघना। और ये मेघना फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में
गिर जाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और यहीं पे अगर ब्रह्मपुत्र की लेंथ देखे तो 2900 किलोमीटर, जिसमें ये भारत में कितनी बहती है 885 किलोमीटर, 885 किलोमीटर, ठीक है जी। तो तीन नदियों के बारे में हमने देखा, सिंधु हो गई आपकी, गंगा होगी और ब्रह्मपुत्र नदी होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो देखिए अगर यहीं पे एक और देखे तो यहाँ पर हमें ब्रह्मपुत्र की कुछ एक सहायक नदियां भी मिलती हैं, जो जानना बहुत जरूरी है, जिनमें से नाम आता है आपका तीस्ता नदी हो गई और मानस हो गई, और एक नदी आती है आपकी सुबनसेरी। सुबनसेरी तीस्ता होगी, मानस होगी, सुबनसेरी होगी, संकोश होगी, लोहित होगी और दिहांग हो गई। संकोश, लोहित और दिहांग, ये नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगर यहीं साइड में हम देखें तो एक पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको, अरावली पर्वत श्रेणी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये। यहीं से एक नदी आती है लूनी नदी, लूनी नदी निकलती है यहां से, जो कि कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में लुप्त होने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। तो चलिए फ्रेंड्स, हिमालय की नदियों को हमने देखा, प्रमुख तीन नदियां हमने पढ़ी। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, यही आपके और मेरे बीच का तालमेल रहेगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रियाएं दें। थैंक यू।